नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि BMR और RMR में क्या फ़र्क होता है। BMR की फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट, RMR की है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। काफ़ी बार आपने BMR RMR एक दूसरे में अदला बदली मतलब एक्सचेंज होकर सुन लिया होगा। आमतौर पर नहीं, एक जैसी काम ले लिया जाता है, दोनों लगभग बराबर सी चीज़ें हैं, थोड़ा फ़र्क है वो भी हम समझ लेते हैं। दोनों क्या बताता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बिस्तर पे पड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा शरीर कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, कितनी कैलोरीज खर्च कर रहा है, ये बताता है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क ये है कि BMR जब नापा जाता है तो ये काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस में नापा जाता है, मतलब काफ़ी सख्त चीज़ें ध्यान रख एकदम ध्यान से सख्त चीज़ें ध्यान रख करके करी जाती हैं फिर नापा जाता है। मतलब सख्त चीज़ें मतलब क्या, जैसे 8 घंटे की जिसकी नापने उसकी 8 घंटे की नींद पूरी हुई या नहीं, वो 12 घंटे से उसने कुछ खाया ना होता कि उसका पाचन क्रिया चल नहीं रही, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम चल ना रहा हो, उसे अंधेरे कमरे में रखा जाता है, तो इस तरीके की थोड़ी मतलब स्ट्रिक्ट कंडीशन में नापा जाता है। और जो ये BMR है बेसल मेटाबॉलिक रेट और जो RMR है रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, उसमें इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं रखी जाती। आपको एक आम आदमी के हिसाब से इतना समझना बहुत है, BMR से जो आपकी जो आप BMR नापोगे वो जो आएगी वो आपका शरीर जितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है उसका ज़्यादा अच्छा नाप है RMR से। मतलब BMR जो आपको रीडिंग देगा वो ज़्यादा सटीक होगी RMR जो आपको रीडिंग देगा उससे, तो BMR ज़्यादा प्रिसाइज मानी जाती है। पर ऐसा नहीं है कि दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अरे अगर हमें RMR पता है BMR नहीं पता तो क्या हो गया, BMR पता है RMR नहीं पता क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं इस बारे में। हम मैंने जो पुराने वीडियोज़ में बताया BMR कैसे कैलकुलेट करते हैं, BMR कैसे निकालते हैं अपनी, उसमें जो भी मैंने BMR निकालने के तरीके बताए वही आपको काम लेने हैं, और वो जो आपको देंगे वो भी अप्रोक्सीमेट होगी। अब आप किसी लेबोरेटरी में जा करके वहाँ पे अंधेरे कमरे में रह करके अपनी BMR की टेस्टिंग रोज़ रोज़ तो नहीं करवा सकते, आप करवा लोगे तो हर आदमी तो नहीं करवा सकता। तो ये BMR आप RMR या आप ऐसे कहीं किसी लेबोरेटरी में जा करके एकदम नपवा नहीं सकते, आप नपवा लोगे तो हर कोई थोड़ी नपवा सकता है, एक आम आदमी थोड़ी नपवा सकता है। तो आम आदमी को BMR निकालने के जो तरीके वो बताए थे मैंने पुरानी वीडियो, वहाँ देख सकते हो हाउ टू कैलकुलेट योर BMR में, और वो जो आपको रीडिंग देंगे वो भी अप्रोक्सीमेट ही होगी, वो भी लगभग असली रीडिंग के आसपास ही होगी, और आम आदमी उसी से काम करता है, आपको एकदम सटीक रीडिंग की जरूरत नहीं है। सो अब से BMR और RMR के भी सामने आए तो कन्फ्यूज मत होना, समझ लेना है लगभग एक जैसी चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज करके काम ले ली जाती है। अब आम बोलचाल में BMR को RMR, RMR को BMR बोलते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है वो BMR है, और BMR कैलकुलेट करने के एक आम आदमी के जो तरीके मैं बता चुका हूँ आपको, इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लेबोरेटरी में जाकर टेस्टिंग करानी हो और ये सब नहीं, जो कैलकुलेट करने के तरीके मैं बता चुका हूँ। तो अब कन्फ्यूज मत होना BMR और RMR में। अगर आपकी वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो, मैं आपसे ये वीडियो मिलूंगा। नमस्कार।